सब्सक्राइब करें फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, मैं विकास शर्मा, फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप मेरे इन वीडियो को लाइक जरूर किया करो और भारत के अंदर सभी किसानों के साथ शेयर किया करो, जिससे मेरे नए नए अनुसंधान कृषि संबंधी किसान भाइयों को आसानी से मिल सके और उनकी जो कृषि की जो खर्चा है वो कम हो सके। और जो रेड कलर के अंदर सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है वो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद के अंदर जो बेल घंटी है बगल के अंदर, उस बेल घंटी को जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए वीडियो आप तक आसानी से मिल सके। तो मेरे किसान भाइयों, मुझे कमेंट में मिला था कि रूंज का पेड़ कैसे होता है और ये प्राकृतिक एल्कोहल का मैंने एक वीडियो बनाया था। तो प्राकृतिक एल्कोहल का वीडियो के अंदर मैंने रूंज के जो फलियाँ आती है, जो फलियाँ होती है खाकी कलर की, तो जिसको पातड़ी भी बोलते हैं मारवाड़ी भाषा के अंदर, राजस्थानी भाषा के अंदर पातड़ी भी बोलते हैं, और इसके जो रूंज की जो फली आती है उसका मैंने प्राकृतिक एल्कोहल बना के आप किसान भाइयों को मैंने एक वीडियो बनाया था। तो मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था कि ये रूंज का पेड़ क्या होता है और कैसे होता है। तो मेरे किसान भाइयों, ये रूंज का पेड़ होता है खेजड़ी के जैसा पेड़ होता है, ये खेजड़ी की वेराइटी जैसा होता है, और मार्च और अप्रैल के अंदर इस पेड़ की, जैसे ये पेड़ देख रहे हो आप, ये रूंज का पेड़ है, और इस रूंज के पेड़ में मार्च और अप्रैल के अंदर इसके पत्ते पूरे जड़ जाते हैं और खाकी कलर की फलियां लगी रहती है इसके ऊपर। तो ये देख रहे हो आप, ये बहुत पुराना रूंज का पेड़ है और नए पेड़ भी रहते हैं। तो ये पुराना पेड़ दिखा रहा हूँ, ऐसा विशाल पेड़ होता है रूंज का ज़्यादातर। और ये देख लो आप, और इसके जो फलियाँ लगती है वो फलियाँ इस प्रकार की लगती है, ये देख लो आप, ऐसी फलियाँ लगती है, इसको हम पातड़ी भी बोलते हैं, और इसको इन फलियों को बकरी नहीं खाती है, ये देख रहे हो। तो ये प्राकृतिक एल्कोहल के अंदर रूंज की बहुत ही भूमिका होती है प्राकृतिक एल्कोहल के अंदर, और ये प्राकृतिक एल्कोहल पोटास का काम करता है, 19-19 का काम करता है, जो आप रासायनिक देते हो डीएपी खाद का काम करता है, ये पौधों के अंदर फुटाव का काम लेता है, पौधों के अंदर ग्रोथ का काम लेता है ये एल्कोहल। ये प्राकृतिक जो एल्कोहल होता है वो ग्रोथ के अंदर बहुत ही अच्छा रहता है और फ्लोर बहुत अच्छे आते हैं, और अगर किसी भी सब्जियों को पौधे की कलर फॉल्ट आ जाता है तो कलर भी ये बहुत अच्छा बढ़ाता है पौधे का और ग्रोथ बहुत अच्छा करता है। तो ये इसकी पातड़िया है और फलिया है, इस प्रकार की ये फली आती है और इसी प्रकार का ये रूंज का पेड़ होता है। नज़दीक से आप और देख लो, ये रूंज का पेड़ ऐसा होता है, ये खेजड़ी की वेराइटी होती है, खेजड़ी से मिलता जुलता पेड़ होता है ये, और इसके फलियाँ ऐसी फलियाँ लगती है। तो मेरे किसान भाइयों, जो प्राकृतिक जो एल्कोहल है वो फुटाव के अंदर पेड़ को फुटाव करता है, ग्रोथ करता है, और कलर बिल्कुल बढ़िया रखता है, हरा रखता है कलर को, और फ्लोर अच्छा आते हैं, और DAP पोटास और कैल्शियम का ये बहुत ही अच्छा एक फ्री का स्रोत है। अगर आप इसका नियमित तौर पे सेवन करोगे तो पौधा बहुत ही अच्छा सुरक्षित रहेगा और फुटाव बढ़िया करेगा और ग्रोथ अच्छा करेगा और इसके फल अच्छे आएंगे और जड़ का रोग कम लगेगा। तो ये है मेरे किसान भाइयों रूंज का पेड़, और रूंज का पेड़ प्राकृतिक एल्कोहल की बनाने के अंदर इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कई लोग तो पेड़ कटने के बाद इसकी छाल का भी काम में लेते हैं, पर पेड़ों की अपन छाल, सूखे पेड़ों की अपन बिल्कुल नहीं लेंगे, अपन इनकी जो पत्तियाँ होती, ये फलियाँ होती है रूंज के पेड़ की फलियाँ, ये बहुत ही अच्छी उत्तम मानी गई है। इन फलियों के अंदर विटामिन बहुत अच्छे रहते हैं और एल्कोहल की मात्रा बहुत ही अच्छी रहती है इसके अंदर। इन फलियों को बकरी भी नहीं खाती है, हाँ बकरी बिल्कुल भी नहीं खाती है, अगर भूल से बकरी खा भी जाती है तो वो बकरी मर जाती है। तो मेरे किसान भाई, ऐसे ही फलियाँ लगी हुई तो होती है, ऐसी पातड़ी लगी हुई रहती है रूंज के पेड़ के, और ये बहुत ही कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। तो मेरे किसान भाइयों, आपको मैंने बता दिया है कि रूंज का पेड़ कैसा होता है और इसके किस तरह की फलियाँ लगती है। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, अगला वीडियो फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए
और भारत के सभी किसानों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल घंटी है उसको जरूर दबाएं। जय किसान, जय जवान।